हेलो एंड वेलकम बैक टू केपी कॉन्स्ट्रो। आज इस वीडियो में हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट की वजह से आप पुणे से मुंबई तक का डिस्टेंस 25 मिनट से बाय रोड कम कर सकते हो। ये एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। इसमें ब्रिजेस है, टनल्स है और केबल स्टेड ब्रिजेस भी हैं। तो इस वीडियो में हम एग्जिस्टिंग पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे, उसके प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ी, उसके बाद मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के क्या डिटेल्स है, उसकी टाइमलाइन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल केपी कॉन्स्ट्रो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे रेडी है उसकी अगर बात करें तो ये कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी पुणे और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी मुंबई, इन दो बड़े सिटीज़ को कनेक्ट करता है। ये इंडिया का पहला 6 लेन हाई स्पीड कंक्रीट रोड है। इसका स्पैन 94.5 किलोमीटर है जो पुणे के किवले से लेकर मुंबई के कलंबोली तक है। एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 1998 में स्टार्ट हुआ और ये 2002 में पूरा हो गया था। एक्सप्रेसवे में 6 टनल्स हैं जिसके नाम की लिस्ट आप फोटो में देख सकते हो और उसके आगे आप टनल की लेंथ देख सकते हो। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 2 टोल प्लाजा है जो तलेगांव और खालापुर में है। प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट MSRDC यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किया है। 2002 में इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1630 करोड़ थी। तो ये एक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का बेसिक ओवरव्यू है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करें या फिर कम्युनिटी टैब में जाकर वोट कर सकते हो। मैं आपके लिए इस प्रोजेक्ट की अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चलिए अब जानते हैं कि एग्जिस्टिंग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में ऐसे कौन से प्रॉब्लम थे कि इस रोड को मॉडिफिकेशन या फिर मिसिंग लिंक जैसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ी। अगर आप पुणे या मुंबई में रहते हो तो आपको ज़रूर पता होगा मुंबई से पुणे रोड से जाने के लिए 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और दूसरा ऑप्शन है नेशनल हाईवे नंबर 4। लेकिन ये दोनों रोड्स खालापुर टोल से खंडाला के एग्जिट तक मर्ज हो जाते हैं। तो ये 19 किलोमीटर का जो पैच है इसमें 10 लेन का ट्रैफिक जमा हो जाता है, जैसे एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे के 6 लेन का ट्रैफिक और जो नेशनल हाईवे नंबर 4 है उसके 4 लेन्स। इसकी वजह से एक्सप्रेसवे पर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, बहुत बार तो ट्रैफिक जाम भी हो जाता है और ट्रैफिक जाम की वजह से या फिर कंजेशन की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस 19 किलोमीटर के पैच में 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स को भी अलाउ किया है जो नॉर्मल एक्सप्रेसवे के रूट्स पर अलाउड नहीं है। और ये मोस्टली घाट एरिया होने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। मॉनसून के सीज़न में रॉकफॉल का भी टेंशन हो जाता है। कई बार रॉकफॉल की वजह से एक्सप्रेसवे की 1 लेन बंद करनी पड़ती है। तो ये थे एक्सप्रेसवे के कुछ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट को लाया गया है और जिसका काम ऑलरेडी चालू हो गया है। अभी हम हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं यानी मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे के रोड के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए खालापुर टोल से लोनावला के सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट तक के रोड को एक पैरेलल रोड बनाया जा रहा है जिसे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर का पैच है, लेकिन जब ये मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट बनेगा तो उसकी एक्चुअल लेंथ 13.3 किलोमीटर रहेंगी। मतलब आपका ऑलरेडी 6 किलोमीटर तक का डिस्टेंस बच जाता है और ये जो घाट एरियाज है उसको भी बाईपास कर जाता है। मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है एक्चुअल मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन और दूसरा पार्ट है खालापुर टोल से खोपोली एग्जिट तक का जो रोड है उसको वाइडन करके 8 लेन का बनाने का, जबकि एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से अगर आप मुंबई से पुणे ट्रैवल करते हो तो आपका 25 मिनट तक का टाइम बच जाएगा और ये एक 8 लेन का रोड है। अगर आप खालापुर टोल से स्टार्ट करते हैं तो खालापुर से खोपोली एग्जिट तक का रोड 8 लेन का किया जाएगा। देन उसके बाद एक ब्रिज स्टार्ट होगा जो एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे को पैरेलल जाएगा और इस पहले ब्रिज की लेंथ 770 मीटर रहेगी और हाइट 30 मीटर्स रहेगी।
उसके बाद एक ट्विन टनल स्टार्ट होगा। इस टनल की लेंथ 1.6 किलोमीटर होगी और जैसे ही आप टनल क्रॉस करते हैं उसके बाद एक केबल स्टेड ब्रिज आएगा जिसकी लेंथ 645 मीटर होगी और हाइट 135 मीटर होगी। जैसे कि आप जानते हैं केबल स्टेड ब्रिज में पाइलॉन्स होते हैं, तो इस ब्रिज में पाइलॉन की हाइट 170 मीटर तक होगी। जैसे ही आप केबल स्टेड ब्रिज क्रॉस करते हैं पुणे की तरफ जाते वक्त, उसके बाद एक बहुत बड़ा टनल आता है जिसकी लेंथ 8.9 किलोमीटर है और इतनी बड़ी लेंथ को मैनेज करने के लिए हर 500 मीटर में एवैक्यूएशन शाफ्ट भी बनाए जाएंगे और ये टनल लोनावला सिटी और लोनावला लेक को नीचे से क्रॉस करेगा और ये टनल ग्राउंड के 150 मीटर नीचे बनाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स की अगर बात करें तो मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का टेंडर दो कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया है जिसमें से एक है नवयुगा कंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरी कंपनी है एफकॉन्स। एफकॉन्स एक शाहपुरजी पालनजी कंपनी की ही सब्सिडरी कंपनी है। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन की अगर बात करें तो 6 मई 2016 में कंसल्टेंट ने इसका फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया। 29 जून 2016 में MSRDC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। जैसे ही अप्रूव हुआ तो 1 सितंबर 2016 को इस प्रोजेक्ट की टेंडर नोटिस निकाली गई और 30 अक्टूबर 2016 को प्रोजेक्ट के टेंडर को एक्सेप्ट किया गया और इन दो कॉन्ट्रैक्टर्स को 29 दिसंबर 2016 को वर्क ऑर्डर दी गई। अभी प्रोजेक्ट का काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक की वजह से अभी इस प्रोजेक्ट की एक्चुअल कम्प्लीशन डेट ऑफिशियल नहीं की गई है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट होने में और 3 से 4 साल लग सकते हैं। मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर बात करें तो ये 4,800 करोड़ के आसपास हो सकती है। मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट की वजह से आपका मुंबई से पुणे तक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर से कम हो जाता है और आप 25 मिनट से भी ज़्यादा टाइम बचा सकते हो और इसकी वजह से आपको जो अभी घाट एरिया है उस रोड को वाइडन करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंट्रोल होगा, जो रॉकफॉल के प्रॉब्लम्स है वो भी कम हो जाएंगे, एयर पोल्यूशन में भी कंट्रोल होगा और जैसे कि हम सब जानते हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट की समस्या बहुत बड़ी है, तो इस रोड को जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर बनाने में मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो ये सब डिटेल्स थी मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं और आपको क्या लगता है कि प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होगा या नहीं, 4,800 करोड़ रुपीज़ इतनी बड़ी अमाउंट इस प्रोजेक्ट पे खर्च करना सही है या नहीं और आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ओपिनियंस है ये ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को एपी कॉन्स्ट्रो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही प्रोजेक्ट और रियल इस्टेट के बारे में वीडियोज़ डालते रहते हैं।